तो बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं सीएम हाउस। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब उनका दोपहर का जो भोजन है वो वहां पर रखा गया है, जिसके बाद जो दूसरे कार्यक्रम तय किए गए हैं उसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो 2:30 पर जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। और इसके पहले आपको तस्वीरें बता दें कि किस तरह से जब वहाँ सीएम हाउस पहुंचे और आज लंच का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया। तो सुबह 10:30 पहुंच चुके थे भोपाल में। दुर्गेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। दुर्गेश, जिस तरह से बात करें, हमने देखा कि 10:30 जब पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो तमाम तैयारियां और साथ जो था वो खास तौर से दिखाई दे रहा था। उसके बाद उन्होंने सीपेट कार्यक्रम में भी वो शामिल रहे, मुख्यमंत्री की तारीफें करते हुए भी नजर आए थे। अभी जो लंच का कार्यक्रम रखा गया उसमें कौन कौन उनके साथ शामिल है सीएम हाउस में? देखिए श्वेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुके हैं, जहां पर अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरली मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, एल मुरुगन समेत जो राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मुख्यमंत्री निवास में जो लंच की व्यवस्था है वो लंच साथ साथ करेंगे। और यहाँ से लंच करने के बाद 2:30 गृहमंत्री अमित शाह यहाँ से बाई रोड लाल परेड मैदान जाएंगे, जहाँ से वो बाई हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर वो वन समितियों का जो सम्मेलन है, एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जम्बूरी मैदान पर, वो वहाँ पर लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से वो जम्बूरी मैदान से वापस हेलीकॉप्टर से लाल परेड मैदान आएंगे, जहाँ से फिर उनका जो रोड शो प्रस्तावित है उस रोड शो में शामिल होंगे और फिर प्रदेश भाजपा कार्यालय जाकर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जी तो लंच का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और साथ जो केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं वो सब उसमें शामिल हैं। और बस आधे घंटे के बाद यानी कुछ ही क्षण के बाद पहुंचेंगे और जम्बूरी मैदान में लाल परेड ग्राउंड में जाएंगे। जो रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है वो कितने बजे से शुरू होगा रोड शो और उसकी क्या कुछ खास तैयारियां की गई? हमने देखा कि 3,000 जो आर्मी सैनिक है उनको लगाए गए, तमाम सुरक्षा जो व्यवस्था है वो की गई है। देखिए जो रोड शो है वो शाम 4 से रोड शो होना है, इसके लिए जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है लगभग 3,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, वहीं 20 से ज्यादा आईपीएस अफसरों को भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उनको कड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके। वहीं जो रोड शो होगा वो 2 लंबा रोड शो होगा, जिसपे सड़क के किनारे किनारे जो लोगों को मिलने जुलने वाले लोग होंगे, फूलों से वर्षा करेंगे और जो शहर के अंतर्गत जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, चाहे वो रामेश्वर शर्मा हो, फिर चाहे वो विश्वास कैलाश सारंग हो, फिर चाहे उमाशंकर गुप्ता हो, फिर चाहे अन्य कृष्णा गौर हो, फिर चाहे कोई अन्य विधायक हो, उनके द्वारा जो तैयारी स्वागत की गई है, अलग से मंच तैयार किया गया है और हर मंच पर उनके विधानसभा के क्षेत्र के लोग जो फूलों से मालाओं से उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह का मुखौटा लेकर के और उनके जो पोस्टर है, बैनर है, उनको लेकर के वो तमाम सड़कों पर वो लोग दिखेंगे और एक भव्य तैयारी की जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक भव्य तैयारी देश के गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल के लोग करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर है और एक शाही अंदाज, शाही वेलकम हमने सुबह से ही देखा कि किस तरह से उनका चल रहा है और अभी लंच के लिए पहुंचे हैं। दुर्गेश, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि रोड शो के बाद बीजेपी कार्यालय में भी जाएंगे, 2023 के लिए रणनीति तैयार होना, आने वाले समय में चुनाव भी होना है, ऐसे में जब बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे संगठन स्तर पर कौन कौन उनके साथ शामिल रहेगा और किस तरह की कवायद या किस तरह की रणनीति उस वक्त दिखाई देगी? देखिए जब गृहमंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर वो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री समेत मुख्यमंत्री और जो भाजपा के विधायक हैं, जो भाजपा के मंत्री हैं, वो सारे लोग इस बैठक में शामिल होंगे और अमित शाह उनसे 2023 चुनाव के लिए किस तरीके से उन्होंने रणनीति तैयार की है और अब तक तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, उन लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर किस तरीके से प्रचारित किया है, किस तरीके से उनको क्रियान्वयन करवा पाए हैं, उनका भी फीडबैक लेंगे। संभवतः जो
अगर हम बात करें कि वो जो प्रमुख मंत्री हैं राज्य सरकार के, उनसे वो वन टू वन भी चर्चा कर सकते हैं कि जो राज्य की सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरीके से जमीनी क्रियान्वयन पर वो सफल कर पाए हैं या नहीं। वो निश्चित तौर पर ये फीडबैक लेकर के आगामी 2023 विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं इसलिए उन पर भी खास तौर पर फोकस है, और यही वजह है कि एक बड़ा कार्यक्रम जम्बूरी मैदान पर आदिवासियों के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, जम्बूरी मैदान में खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लंच पर अभी पहुंचे हुए हैं जिसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, 7 केंद्रीय मंत्री, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। और नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक